हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम टॉप 10 एंड्रॉयड 3D एनिमेशन ऐप के बारे में बात करेंगे। इस ऐप को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करके अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं और उसके ज़रिए आप YouTube पे भी एनिमेशन वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अनुप कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल झाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऐप जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है वो है प्लोटागन। प्लोटागन दो वर्जन में आते हैं, एक है आपका प्लोटागन स्टोरी और दूसरा है प्लोटागन एजुकेशन। ये इसलिए सबसे फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत ही इजी इंटरफेस है और आप कुछ भी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स ले सकते हो और कैरेक्टर खुद से भी बना सकते हो। आप इसको इस हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आप खुद का फेस इसमें बना सकते हो। डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट गैजेट्स, डिफरेंट यू नो कलर्स ऑफ द बॉडी, सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है मल्टीपल प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स, मल्टीपल प्री डिफाइंड सीन्स और सब कुछ फ्री में। कुछ पेड वर्जन सीन्स और कैरेक्टर्स भी हैं जो आपको खरीदना पड़ सकता है, लेकिन फ्री वर्जन इतना सारा है कि पेड वर्जन के लेने की मेरे को नहीं लगता कि जरूरत पड़ सकती है आपको। इसके अलावा कुछ भी टाइप करके एक सीन क्रिएट कर सकते हो आप और अपना खुद का वॉइस दे सकते हो। आप खुद के वॉइस में कोई भी वीडियो बना के आप YouTube पे पोस्ट कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप मल्टीपल कैरेक्टर ले सकते हो एक सीन में, मल्टीपल इमोशंस डाल सकते हो और मल्टीपल एंगल्स ऑफ कैमरा सेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर सीन में, और आपका पूरा एक मूवी बन सकता है इस प्लोटागन ऐप से। और तो और आप इस ऐप से मिस्टर सिद्धू और मिस्टर गुलाटी भी बना सकते हो। बहुत ही आसान है ये ऐप चलाना, एक बार ट्राई करके जरूर देखना दोस्तों। अगला ऐप है दोस्तों जिसका नाम है टून टेस्टिक 3D। ये खास करके बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ ऐप है जो कि गूगल का ही ऐप है दोस्तों। दोस्तों ये भी प्लोटागन की तरह ही अच्छा ऐप है, लेकिन इसके इंटरफेस कुछ अलग हैं। खास बात इसकी ये लगी कि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आप स्टोरी बना के और मल्टीपल ओकेजन पे पोस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। गूगल पे दोस्तों इसका 4.1 की रेटिंग है और मिलियन में इसका डाउनलोड है। लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो ऐप है उसका नाम है दोस्तों जर्की मोशन। ये थोड़ा प्लोटागन और टूनटेस्टिक 3D से कम फीचर लगे इसमें और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। गूगल प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग 3.5 है, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छा है, इसमें आप छोटे छोटे डिटेल्स को भी एनिमेट कर सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। तो एक बार ट्राई करो इसको भी, हो सकता है कि आप लोगों को मज़ा आए इसको यूज़ करने में दोस्तों। अगले ऐप का नाम है ट्वीन क्राफ्ट। ये भी बहुत अच्छा कार्टून मेकिंग ऐप है दोस्तों, एक बार ट्राई करना आपको मज़ा आएगा। इसमें भी आप यू नो इवन नरेंद्र मोदी की तरह भी कैरेक्टर बना सकते हो। इसकी रेटिंग जो है गूगल प्ले स्टोर पे 3.5 है दोस्तों, और इसका भी डाउनलोड मिलियंस में है। और ये थोड़ा सा ठीक लगा ऐप मुझे, ये भी बच्चों के लिए ही है। छोटे छोटे बच्चे इसमें मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए इसमें मल्टीपल कार्टून्स बना सकते हो आप, और मल्टीपल सीन्स हैं मल्टीपल ओकेजन्स के लिए। तो एक बार ट्राई इसको जरूर करना, आपको मजा आएगा। अगला जो ऐप है दोस्तों उसका नाम है एनिमेटर। ये पिक्सआर्ट एनिमेटर ऐप है जिसमें आप फनी डूडल्स, फनी GIF, फनी वीडियोस बना सकते हो और उसको शॉर्ट वीडियोस बना के उसको शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। ये पिक्सआर्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा एक ऐप है, एक बार ट्राई जरूर करना। अगला ऐप जो है दोस्तों उसका नाम है एनिम मेकर। ये एक 2D एनिमेशन कह सकते हैं आप या डूडल एनिमेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करिए और उसका एनिमेशन कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों और ये 2D एनिमेशन में बहुत ही मतलब सही है। तो एक बार इस ऐप को भी ट्राई करिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐप भी पसंद आएगा।
तो दोस्तों हमारे लिस्ट में अगला जो ऐप है उसका नाम है एनिम 8। ये बेसिक सा ऐप है दोस्तों, तो अगर आप बिगिनर हैं एनिमेशन में तो इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत बेसिक से फीचर्स और कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वॉक एंड रन टाइप से ऐप है, इसमें कुछ ऐसा मतलब साउंड इफेक्ट या कुछ स्पेशल इफेक्ट्स ये सब कुछ नहीं है। तो मे बी आप एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आपको एज आपके एक्सपेक्टेड आपको कैरेक्टर मिल जाए और आपको एक्सपेक्ट आपके मूवी के एक्सपेक्टेड कुछ इसमें ऐसा कुछ मिल जाए जो आपको ज़रूरत हो, तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे गूगल प्ले स्टोर पर इसकी जो रेटिंग है वो अभी फ़िलहाल जो है 2.4 है और मिलियन में डाउनलोड्स है। तो डिटेल्ड एनिमेशंस के लिए तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, बट बेसिक एनिमेशन के लिए एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे आठवें ऐप का नाम है एनिमेट मी। दोस्तों ये भी बच्चों के लिए ही ऐप है, एक तरह से इसको स्टॉप मोशन ऐप भी कह सकते हैं, जिसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है। हर एक छोटे छोटे फ्रेम सेट किए जाते हैं और उसको एनिमेट किया जाता है। तो दोस्तों एक बार इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे तो ये बच्चों के लिए ही है बट है मज़ेदार, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। और इवन आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी इस पर कार्टूनिंग करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में नाइन्थ जो ऐप है उसका नाम है एनिमेट इट। एनिमेट इट एक अच्छा ऐप है, इसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को भी एनिमेट करा सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो आपको इंटरफेस है वो समझने में बड़ी दिक्कत आ सकती है और आपको वैसे मतलब इसको यूज़ करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, वरना छोटे छोटे चीज़ों को भी इसमें आप अच्छे से एनिमेट करा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर इसकी जो रेटिंग है दोस्तों ये 3.6 है अभी और ये मिलियंस में डाउनलोडेड है ये वाला ऐप। तो एक बार आप भी अगर चाहो इस ऐप को डाउनलोड करके एक बार ट्राई कर सकते हो इस एनिमेशन ऐप को। वैसे इसका नाम अब चेंज होकर एनिमेट फ्री हो गया है, जिसका नाम पहले एनिमेट किट था। तो दोस्तों हमारे टेंथ और लास्ट ऐप का नाम जो है वो है एनिम मैन। एनिम मैन एक्चुअली अब इसका नाम चेंज होके एनिमेट प्लस हो गया है दोस्तों। ये एक पेड ऐप है दोस्तों और ये बिल्कुल एनिमेट इट का जो है पेड वर्जन है। जो एनिमेट इट जो अभी इससे पहले मैंने बताया था नाइन्थ ऐप, उसका पेड वर्जन है ये। तो इसमें कुछ एडेड एडवांटेजेस मिल जाते हैं, कुछ इंटरफेसेस मिल जाते हैं, प्लस इसमें एड्स नहीं आते, ये एक अच्छी चीज़ है इस वाले ऐप में। बट ये सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई कि 55 रुपये के आसपास जो है इसका रेट है गूगल प्ले स्टोर पे और इसकी रेटिंग जो है वो 4 है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी व्यूज़ जो है वो भी मिलियंस में है। और दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम चांदनी शाइन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक चैनल है जिस पे हम लोग ब्लॉग वीडियो बनाएंगे और इस पे हम लोग अभी कुकिंग के वीडियोस बना रहे हैं, तो इसको ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल पर जाके। और साथ साथ ये बताओ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए बाय।